सारा दिन सोता रहे। उठिए। हाँ उठिए। अरे सोने देना यार, सोते ही रहोगे क्या पूरे दिन? तुम्हारा छोटा भाई उठ के काम पे भी चला गया, तुम्हें सोने के अलावा कोई काम नहीं है? जब काम नहीं मिल रहा तो कहाँ जाऊँ काम पे? क्यों, तुम्हें काम ही ना मिलता? मेरी पसंद का काम तो नहीं मिल रहा, दो पैसे कहीं अच्छे मिले तो मैं काम भी करूँ। अच्छा 6,000 का चक्कर में हाथ केड़े बेड़े कर लूँ? 6,000 में कपड़े भी नहाते मेरे। अनुज बेटा। हाँ जी। मैं छोटी बहू के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ, ठीक है? और तू घर का सारा काम कर लियो, ठीक है बेटा? ठीक है मम्मी जी। चल बेटा। देखा मम्मी जी को? क्या? छोटे आली को कपड़े धोने जा रही है, पता क्यों? दहेज लेगा ही तेरे से ज्यादा, और पढ़े हुई भी तेरे से ज्यादा है। तुम्हारी फालतू की बातें सुनने का मेरे पे टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ चाय बनाने। हाँ तो जा फिर, चल। बेटा थक गई। ये दर्द भी ना। हाँ। एक गिलास पानी लिया। क्या मम्मी जी, मैं भी आपके साथ आई हूँ ना, मैं भी बहुत थकी हुई हूँ। उससे मंगा लो ना, पूरे दिन घर पे पड़ी रहती है जूही से। तू सही कह रही है। जूही जूही पानी लेके आना बेटा। लीजिए मम्मी जी। क्या दीदी, आपको बिल्कुल भी तमीज नहीं है? क्या हुआ दीदी, जब दो आदमी बाहर से थके हुए आए तो दोनों को पानी चाहिए होता है। सॉरी दीदी, मैं अभी लाती हूँ। क्या मम्मी, कुछ दिखाओ ना उसे। अरे इसे मैं भी तबाह हो ली हूँ। अरे दीदी ये क्या कर रहे हो? चावल बना रही हूँ आज। आज चावल बनाने वाले हो? अरे वाह, मुझे भी चावल बहुत पसंद है। बना लो बना लो। अरे बहू ये क्या कर रही है? चावल ही बना रही हूँ मैं आज। चावल बना रही है? तुझे पता है ना मैं चावल नहीं खाती। मम्मी जी मैंने तो बोला था दीदी को कि मम्मी जी का परहेज है, लेकिन ये तो फिर भी चावल ही बना रही है। इसे पता है मैं बीमार हूँ, चावल नहीं खाती, मेरा परहेज है, तब भी चावल बना रही है। दो रोटी ना बनाई जाती तेरे से, काम चोर कहीं की। कोई नहीं माँ जी, मैं रोटी बना दूंगी। बनावेगी खाना। मम्मी आपने सर पे चढ़ा रखा है उसको, पता नहीं कभी से तमीज आएगी। काम चोर है ना, रोटी बनाने के बहाने चावल बना रही है। दो रोटी बनाने में भी आलस आता है, पूरा दिन तो उसका पति घर में पड़ा रहता है, सारा राशन वगैरह सब मेरे पति के पैसों से आता है, खुद तो कुछ करता नहीं है, ये भी काम चोटी कहीं की। तू सही कह रही है बेटा, मेरा छोटा बेटा बहुत कमाता है, इन दोनों से दुखियाली मैं। आप भी तो कुछ नहीं बोलते मम्मी उसको। अरे क्या बोलूं बेटा, दिमाग खराब कर रखा मेरा, पता नहीं कब जाएंगे यहाँ से।
भैया नमस्ते। नमस्ते भैया, आ गए तुम? हाँ आ गया। अरे भैया हमारे भी नौकरी लगवा दो कहीं। अरे भैया रहन दो, क्या करोगे काम करके, 10 जगह तो तुम्हारी नौकरी लगवा दी मैंने। भैया मुझे कहीं अच्छी सी नौकरी दिलवाओ। मैंने तुम्हें अच्छी अच्छी नौकरी दिलवा दी, तुम क्या करोगे काम करके, रहन दो। अरे भाई मैं छोटी मोटी नौकरी तो करूँ ना, ठीक है कोई बढ़िया सी नौकरी मिलती हो तो बता दियो, बढ़िया सी नौकरी कर लूंगा मैं, लेकिन छोटी मोटी नौकरी अपने बस की है नहीं भाई। चल ठीक है, कोई बढ़िया नौकरी होगी लगवा दूंगा तेरी। एक काम कर ले, तू थक गया होगा, जाकर फ्रेश व्रेश हो ले। ठीक है, जा ऊपर जाकर फ्रेश हो ले। भाई देख छोटी मोटी नौकरी अपने बस की करनी है, बढ़िया नौकरी मिलेगी तो करूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं भाई, कमारा अपने आप घर चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। 10 बीघे जमीन पड़ी, कोई दिक्कत थोड़ी है। बेटा रितिका, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा सर दबा दे। क्या मम्मी जी, कभी आपके सर में दर्द होता है, कभी आपके पैरों में दर्द होता है, कभी आपके पेट में दर्द होता है, आपके हमेशा दर्द ही होता रहता है क्या? अब मेरे खुद सर में दर्द है, मैं कैसे दबाऊं? अरे बेटा मेरा सर फटने को हो रहा है। यार मम्मी मेरे से नहीं होता ये सब। लाओ मम्मी जी मैं आपका सर दबा दूं। मम्मी जी मैं आपके पैर भी दबा दूं? चल हट, आई बड़ी पैर दबाने वाली, चल निकल। अरे मम्मी साड़ी देखो कितनी अच्छी है, वैसे यहाँ पे बहुत अच्छी लगेगी ये साड़ी। हाँ तो सही कह रही है। ऑनलाइन मंगाऊं? हाँ बेटा कर दे ऑर्डर। ये वाला कलर या ये वाला कलर? ये वाला कर दे, ये वाला बहुत पसंद है। हाँ मम्मी आप पे तो वैसे भी सारे कलर अच्छे लगते हैं। ये वाली देखो, ये वाली तो उससे भी अच्छी है। मम्मी मैं भी ले लूँ एक? चल ठीक है। वाओ ये तो और भी अच्छी है। मम्मी जी मुझे घर जाना है, मेरे पापा की बहुत तबीयत खराब है, भाई का फोन आया था कि जल्दी घर आ जा। कहीं ना तबीयत खराब हो रही, कहीं नहीं जाना, पापा की तबीयत खराब हो रही। देखो मम्मी इसको भेजो या मत भेजो, लेकिन मेरे से तो काम की उम्मीद मत करना, मेरे से अपना काम ही नहीं होता। मैं सिर्फ उनकी रोटी बना सकती हूँ और कोई काम नहीं होता मेरे से। जा यहाँ से, काम कर जाके, जब मर्जी आवे जब चली जाना। जा। अरे यार मम्मी एक नंबर की झूठी है ये, तो बहाने चाहिए होते अपने घर जाने के। मैं क्या पागल हूँ, मैंने सही किया ना? हाँ मम्मी। क्या देख रहे हो मम्मी? बेटा दीपिका, बेटा दीपिका। दीपिका बेटा। हाँ जी मम्मी। अरे बेटा मेरे को बुखार हो गया, दवाई दे दे। अरे मम्मी अभी ऑफिस से आए हो, तुम तो खाना बनाने जा रही हूँ मैं, और आपको ये रोज रोज का हो गया, कभी आपके पैर में दर्द होता है, कभी आपको फीवर चढ़ जाता है। यार मम्मी मेरे से नहीं होता ये सब रोज रोज का, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। जी लो दवाई। मम्मी आप जल्दी ठीक हो जाओगी, फिक्र मत करो।
आप रो क्यों रहे हो? तू ही है मेरी असली बहू, तू ही मेरा ख्याल रखती है। मैं छोटे बहू से कितना प्यार करती थी और उसने दवाई भी नहीं दी मुझे। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। हाथ मत जोड़िए मम्मी जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया वही काफी है। तू ही मेरी असली बहू है बेटा। यार मैं अपनी मर्जी से गाना भी नहीं सुन सकती। एक तुमने मेरा दिमाग खराब कर रखा है, एक तुम्हारी माँ ने। कल तक तो मेरी माँ तुम्हें बहुत अच्छी लगती थी, आज क्या हुआ? हाँ वो सब ठीक है, कभी उनके सर में दर्द होता है, कभी उनके पैरों में दर्द होता है। यार मेरे से ये सब नहीं होता, सच्ची मैंने अपने घर पे कभी कुछ नहीं किया, यहाँ पे इतना सारा काम करवाने के लिए बोलती रहती है। एक तुम्हारी वो भाभी, एक भी काम तो करती नहीं, काम चोर बहाने बना के अपने घर भागने के लगी रहती है जब देखो उसको। तुम्हारे पास मुझे ही बोलती है सारे काम के लिए। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई इस घर में आके। मेरी बात सुन, क्या बोलते हैं, अगर मेरी माँ की इज्जत करेगी ना तो इस घर में रहियो, वरना अपने सवेरे कपड़े पैक करके ना। सवेरे निकल ले आता है और तलाक के कागज तेरे घर पे पहुँच जाएंगे। अच्छा अब तुम अपनी माँ के लिए मुझे तलाक दोगे? हल्के मत लिए इस बात को। अरे बेटा तूने ठीक नहीं किया, आखिर वो भी घर की बहू है ना। मम्मी जी आपको पता है ना मैं आपके बारे में नहीं सुन सकता। देवर जी इतना गुस्सा किस काम का, अभी उसकी उम्र ही क्या है, उसकी बातों का तो मैं भी बुरा नहीं मानती। भाभी आपने ही तो उसको सर पे चढ़ा रखा है। देखते हैं। चलो मम्मी। क्या हुआ बेटा? मुझे माफ कर दो। अरे क्या हो गया? मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। मम्मी दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की है। जो तुम्हें नाराजी नहीं थी, मैं तो तेरे को अपनी एक छोटी बहन मानती हूँ। मुझे माफ करो, मैं कुछ आगे से नहीं ऐसा करूंगी दीदी, हम बहनों की तरह रहेंगे। मम्मी मैं आपको सच्ची में आगे ऐसा कोई मौका नहीं दूंगी गलती का, बस मुझे इस बार। कोई बात नहीं बेटा चुप हो जा। मैं आपके लिए चाय बना के। ठीक है बेटा। देखा हमारी छोटी बहू सुधर गई है, अब चाय बना के ला रही है हमारे लिए।